गाइज, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ गाइज, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं, फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रांग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई, जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते, उससे भी तेज एक बार एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। एमएस धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओ माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गाइस, तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले एमएस धोनी के लिए यानी हमारे माही के लिए एक लाइक तो बनता है।